इसमें लोग बात करने वाले बेस्ट ब्राउजर के बारे में, जिसमें आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी और यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी भी बेस्ट क्वालिटी का देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, तो कौन सा ब्राउजर है और किस तरह से आपको इसे यूज करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक वृंदावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं बेस्ट ब्राउजर के बारे में। जहाँ पर आजकल के जितने भी ब्राउजर आ रहे हैं उसमें आपको ऐड या फिर मान लीजिए जितने भी आप यहाँ पर सर्चेज करते हैं, जो कि आपका डाटा बेस बनता है, वो सभी यहाँ पर लीक हो जा रहे हैं। या फिर मान लीजिए जो कि आपका ब्राउजर होता है उसमें जितने भी वेबसाइट होते हैं ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में यहाँ पर कुकीज को इम्प्लॉइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कि आपका डाटा होता है वह लीक हो जाता है। जहाँ पर तो ऐसे में बेस्ट ब्राउजर कौन सा है, किसे आपको यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जितने भी ट्रैकर होते हैं या फिर मान लीजिए जो भी वेबसाइट आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं उसमें आपको ऑटोमेटिक ब्लॉक देखने के लिए मिल जाए और उस वेबसाइट का नाम भी देखने के लिए मिल जाए जो आपको यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, तो जैसा कि इस ब्राउजर को आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको प्ले स्टोर पर चले जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। जी हाँ, कुछ इस तरह से आपको वेब ब्राउजर देखने के लिए मिलता है और इस ब्राउजर में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है, यानी कि जब कभी भी किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो उसका लेआउट बहुत ही स्मूथली रन करता है। यानी कि जो भी आप ब्राउजर पर सर्च करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के सर्च इंजन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बिंग, याहू, गूगल, इसके अलावा यहाँ पर डकडकगो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर सर्च इंजन यूज करना चाहते हैं सेटिंग में जाइए और यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला नंबर तो आपको तीन सेटिंग देखने के लिए मिलेगा, सिक्योरिटी में बेसिक और इसके अलावा यहाँ पर बैलेंस और यहाँ पर स्ट्रिक्ट। जी हाँ, यदि मान लीजिए जो कि आपका यहाँ पर ब्राउजर है, जिस ब्राउजर को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसमें आपको लगता है कि जो कि आप वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वो आपके डाटा को कलेक्ट कर रहा है, या फिर मान लीजिए जिस वेबसाइट को आप विजिट कर रहे हैं उसमें कोई और यहाँ पर पेज ओपन हो जा रहा है या फिर अलग से आपको एरर देखने के लिए मिलता है, ऐड देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर आपको ऐड सेटिंग भी देखने के लिए मिलता है, डू नॉट ट्रैक। जी हाँ, कुछ इस तरह से, तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थीम्स भी आपको देखने के मिल जाता है, आप यहां पर डार्क मोड या फिर लाइट मोड यूज करना चाहते हैं वह सभी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा इस ब्राउजर में आपको देखने के लिए मिल जाता है कलेक्शन। जी हां, यदि मान लीजिए आप कलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी पेज को, किसी भी वेबसाइट को आप एक तरफ यहां पर कलेक्ट करके उसे यहां पर रखना चाहते हैं तो कलेक्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यही नहीं दोस्तों, एक और आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है स्मार्ट स्क्रीन का। जी हां, तो सिंपली यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपका मोबाइल होता है या फिर डेस्कटॉप होता है, आप यहां से सेट कर सकते हैं वह वेबसाइट यहाँ पर डेस्कटॉप मोड में ओपन होना चाहिए या फिर मान लीजिए मोबाइल मोड में ओपन होना चाहिए, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। इसमें आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं तो जो भी ब्राउजर या फिर मान लीजिए जो भी कलेक्शन आपने कलेक्ट किया है उसे आप डायरेक्टली बिना ट्रांसफर किए हुए आप अपने कंप्यूटर में जो कि आपका ब्राउजर होता है माइक्रोसॉफ्ट का उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। जहाँ पर बहुत ही आसानी से और हिस्ट्री रिकॉर्ड, इसके अलावा यहाँ पर फेवरेट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जहाँ पर तो डाउनलोड भी आपको अच्छा खासा स्पीड देखने के लिए मिल जाता है और जो कि प्रोडक्टिविटी होती है हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, बेस्ट क्वालिटी का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो जितने भी यहाँ पर यूजर होते हैं ऐड से या फिर मान लीजिए इलीगल वेबसाइट से परेशान होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वह वेबसाइट आपके डाटा को कलेक्ट कर रहे या फिर नहीं कर रहे, जितने भी वेबसाइट होते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट वह सभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे और आपको अच्छा क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे बेस्ट ब्राउजर कौन सा है और किस तरह से डाउनलोड करना है, क्या चीज़ आपको क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।